कसरावत नगर के गवलर रोड स्थित समर्पण गिरी पितृ पर्वत पर पिछले वर्ष लगाए गए पौधों की वर्षगांठ स्वरूप उनका प्रथम जन्मोत्सव और तरुपुत्र मिलन समारोह का आयोजन गायत्री परिवार द्वारा किया गया। इस तहसील स्तरीय आयोजन में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पर्यावरण प्रेमी एकत्रित हुए। कार्यक्रम को गायत्री धाम सैंधवा के वरिष्ठ गायत्री साधक एवं गो सेवक पंडित मेवालाल पाटीदार ने विशेष रूप से संपन्न कराया। उल्लेखनीय है कि इस पितृ पर्वत पर पिछले वर्ष हरियाली अमावस्या के मौके पर गायत्री परिवार ने आमजन के सहयोग से 2100 पौधे का सफल रोपण किया था। आज सभी पौधे भली भांति विकसित होकर हरियाली से आच्छादित है। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक सचिन यादव, नवागत नगर पंचायत CMO कमलेश गोले, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजन सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। क्षेत्र के लिए एक अनुकरणीय पहल की और इस एक वीरान पहाड़ी को हरा भरा करके अपने संकल्प के माध्यम से इस पहाड़ी को हरा भरा करके दिखाया। मैं आज के इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में गायत्री परिवार के जो भी आयोजन है वो समाज के लिए और देश के लिए एक अनुकरणीय पहल सदैव से कायम करते आए हैं और आज के इस अवसर पर मैं गायत्री परिवार के सभी भाई जो कसरावत संस्थान के हमारे भाई हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जब कभी आपको नगर परिषद की जिस प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता होगी हमारी परिषद आदरणीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में आपके साथ सदैव खड़ी है। पुनः गायत्री परिवार द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गायत्री परिवार ने आज जो यहाँ आयोजन रखा है एक अद्भुत कार्यक्रम है और एक जो संदेश जो समाज में देना चाह रहे हैं, जहाँ पर ना सिर्फ पौधारोपण हो बल्कि उस पौधे को वृक्ष कैसे बने, इस दिशा में ये संदेश जो है गायत्री परिवार के द्वारा देने की कोशिश और प्रयास किया जा रहा है। और मैं उनके इस आयोजन के लिए उनने जो ये काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं पूरे गायत्री परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ समस्त साथियों की तरफ से। और गायत्री परिवार ने सदैव समाज को एक दिशा देने का काम किया है और जिस प्रकार से पूरे विश्व में गायत्री परिवार ने जो 11 करोड़ वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रखा है, हम सभी साथी उस लक्ष्य की पूर्ति के दिशा में हम लोग प्रयास करें और अपने स्तर से जो भी हो सकता है वो करने का कोशिश करें। मैं पुनः गायत्री परिवार के इस अनूठे पहल के लिए और इस सफल कार्यक्रम के लिए जो है उनको पुनः बहुत बहुत साधुवाद। जीवन में हर व्यक्ति ने एक पौधा लगाना चाहिए, इस पर क्या? लेकिन निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से पर्यावरण असंतुलन जो हम देखने को मिल रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जवाबदारी है कि हमारे जो नौनिहाल हैं उनको हम एक स्वस्थ धरती, एक स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ पर्यावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध वायु जो है हम उनको दें, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। और ये तभी हो पाएगा जब हम इस तरह के जो प्रयास हैं इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें और एक चेतना, एक संदेश हमारे समाज में देने की कोशिश हो प्रयास करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।